नमस्कार, मैं प्रेम बिश्नोई और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। नोखा के रोड़ा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। युवा क्रिकेट कप प्रतियोगिता 2019-20 का रोड़ा के खेल मैदान में समापन हुआ। आयोजक सुनील भादू ने बताया कि मुख्य अतिथि शिक्षक नेता ओम प्रकाश बिश्नोई ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। साथ ही विजेता टीम BCCL नोखा को 11,000 रुपये का पुरस्कार व उपविजेता टीम श्याम क्लब नोखा को 5100 रुपये का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी गई। इस अवसर पर भाजपा नेता लालचंद भादू, पंचायत समिति सदस्य मनोज मनीष सारस्वत व सुनील बांबू समेत कई नेता। एक और बड़ी खबर डूंगरपुर से हमारे संवाददाता लाल शंकर रोत की रिपोर्ट के अनुसार, आज सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस ने मनाया जश्न। कांग्रेस कमेटी के बाहर आतिशबाजी की और मिठाई और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता। सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 1 वर्ष में बेहतरीन तरीके से जनता का काम किया। मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की। जयपुर में नागरिकता कानून का समर्थन रैली में उमड़ा जन सैलाब। जयपुर से बड़ी खबर, नागरिकता कानून के पक्ष में शुक्रवार को प्रदेश भाजपा की ओर से जयपुर में पैदल मार्च निकाला गया। मार्च शहीद स्मारक से शुरू होकर सिविल लाइंस फाटक तक गया। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारी रहे मौजूद। राजस्थान के जयपुर से एक और बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर दीजिए पुलिस को अपराध की सूचना। राजस्थान में अब कोई भी व्यक्ति पुलिस को चुनिंदा अपराधों के बारे में सूचना दे सकता है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में व्हाट्सएप हेल्पलाइन को सक्रिय किया गया, जबकि इसके जरिए व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर घटित अपराधों की जानकारी पुलिस के साथ साझा कर सकते। जयपुर में भूकंप के झटके, घरों और ऑफिस से बाहर निकले लोग। जयपुर में शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने से घबराए लोग घरों और ऑफिस से बाहर निकले। हालांकि जनहानि होने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम 5:12 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सूचना के मुताबिक दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई जगहों पर भूकंप महसूस किया गया। जयपुर में एक अजीबोगरीब ठगी का मामला सामने आया, जिसमें शादी करवाने के नाम पर युवक से ठगी का मामला। पीड़ित ने इस संबंध में हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के अनुसार राजनगर सवाई माधोपुर निवासी 27 वर्षीय रोहित ने मामला दर्ज करवाया कि राधा किशनपुरा निवासी सुनीता ने सगाई के नाम पर ठगी की। एक और बड़ी खबर, सरकारी नौकरी का झांसा देकर हड़पे 73.4 लाख कांस्टेबल बर्खास्त। युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर 73.4 लाख रुपए हड़पने के आरोपी राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल को बर्खास्त किया। पुलिस के अनुसार बाड़मेर जिले में CID में तैनात कांस्टेबल मोतीलाल व्यास के खिलाफ बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर रुपए हड़पने, बीमार पत्नी का इलाज करवाने व घरेलू कार्यों के लिए लोगों को गुमराह कर रुपए हड़पने। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। लगातार जनता की आवाज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।